हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं समझ न पाई और यही मंत्री के कहने पर, इसी के कहने पर ये सब हो गया, मुझे माफ कर दो। नहीं राजमाता, हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका नौकर पहले भी था और आज भी आपका नौकर हूँ। जो जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है राजमाता वो होकर के रहता है, उसे लाख कोई कहते लेकिन वो मिट नहीं सकता है, मिट नहीं सकता है। लेकिन बेटा ये हरामजादे उस लड़की का पीछा करते हुए गए हैं, उसे जाकर बचा लो। और रास्ता मैं बताती हूँ, इसी जेल में एक गुप्त दरवाजा है जो कि मैं और हमारे महाराज जानते हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं जानता है। यहाँ से सीधे चले जाओ, कुछ दूर जाने पर तुम्हें वही गुप्त रास्ता मिल जाएगा जिससे कि तुम चुपके से। आपको छोड़ करके जाने को दिल नहीं करता। नहीं, कि मैं इस हाल में तुम्हें छोड़ करके जाऊं। अगर अगर जिंदा रहना तो कभी भी मुझसे मिलने जरूर आना। और जाओ, ये हरामजादे मंत्री का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जाके इसके अत्याचार को रोको। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोलती हूँ। चारों ओर सिपाही लगे हैं, सबकी नजर बचाकर चुपके से निकल जाओ वहां से। जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हें इस आल में छोड़ करके मैं चला जाऊं। लेकिन अगर काश मैं यहाँ रहूंगा तो हमारे दुश्मन जो है ये हमेशा बरकरार रहेंगे। हाँ। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे दुश्मन जो है सारे बरकरार रहेंगे, और मैं चाहूंगा यहाँ से जब निकल कर जाऊंगा तभी हमारे दुश्मन मारे जाएंगे। अरे दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई, उस पे सितम राजमाता, आज मुझे मालूम हुआ कि मंत्री दुर्जन सिंह बहुत ही अत्याचारी है। ऐसा मालूम होता तो हम इसका साथ न करते। राजमाता, चलो तुम आज के बाद हमारे साथ रहना और फिर हम मंत्री दुर्जन सिंह को देखेंगे। चलिए, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की कोई बात नहीं है राजमाता,
ये तो हमारा फर्ज है जो हम कर रहे हैं। क्या भगवान, अगर आज राजमाता नहीं जाती तो यहाँ में कहीं का नहीं छोड़ता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये सामने बत्ती दिखाई देती है, मैं वहीं जाऊंगी। ज्यादा तबीयत खराब है, हमारा बिटिया कजलिया पता नहीं का करा करा थी, कौनो मतलब नहीं वैसे। अब हम कहा बताई। हाँ भैया चलो हम बैठ के आराम करी थे, देखी तो हमारा बिटिया का करे थी, आवत की नहीं। बिटिया हम दिन का दिन मंत्री या गजराज का जो है अत्याचार बड़ा चला जात है, ऐसा ना करो। चलो हिया से और कौन सही कहा बिटिया, चलो छोड़ के चली जाओ। हाँ बिटिया जाओ, हम ले के ठीक है जाओ, हिया का मना ही बड़ा हरा। धीरे से बिटिया धीरे से जाकर बसे हम नसी, फुर्सतगंज में है अपना चल कहीं और जाकर बसे हम नसी, सह लेते हम बात होती जरा सी तो सह लेते हम, बात है इसके दिमाग नहीं चलो चलो तुम्हारा बिटिया, हम बताओ कितने दिमाग का रोया बैलन। अरे नहीं बिटिया, काहे मैं बप्पा कौन आवत तो को आई। हाँ बता, डरो मत बिटिया, वो इसलिए बाबा जी के पास आई हूँ। हाँ। जो मंत्री दुर्जन सिंह है वो हराम दादा, मेरी इज्जत तोड़ना चाहता है। हाँ, बिटिया। और वो कमीना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बताई काहे ना बिटिया। बप्पा
हमका तुम बच्ची सही बताओ, अब अप्पा तो हम बताओ, यह मंत्री सबके पीछे परते का आगे जगह नहीं मिली का। अच्छा एक बात वो सुनो, मुसीबत फैलाव आई का यहाँ बचा ले, चलो हमारे थकते भाग चला है ना पापा। अभी 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 बिजली यहाँ थी, लेकिन बिजली को कजलिया ने यहाँ से भगा दिया। चल कोई बात नहीं, कजलिया गई तो क्या हुआ उस समय, लेकिन बिजली मिली थी। अब इस समय बिजली गई तो क्या हुआ, कजलिया तो मिली। बात करिए, नहीं समझ ले तो हार को बड़ी का भूत निकल आए कर लटकिया का। हाँ दुई मुहा हो रहे हो, ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हम बताते हैं कौन बोल रहा है। ये बोल रहा था, मतलब ये नहीं बोल रहा था, इसकी मौत बोल रही थी। हमले पापा का मौत डाले, तेरे बाप को हमने भेज दिया, अब हमले साथ का कर लिया। अब हम लोग बलात्कार करेंगे। चुप 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 बलात्कार यानी रेप करेंगे, तुम्हारा रेप करेंगे, लेकिन पहले नहीं, तुम्हारे साथ शादी करेंगे तब करेंगे। एक काम करो, निरहो इसको ले चलो शादी रचाते हैं। बहुत बात कले तो मनते हैं, लंगबा दिया पे गल में दिखाओ, लंबर डाला इनका मालिक को इतना कले हो। अरे वो कजलिया कहाँ है? साली चश्मा दे के भाग गई। चश्मा नहीं साले चकमा देकर, चल पीछा कर साले की। भाग तो ठीक लही है, हमका छोड़ दिया हूं। भाग जाएगी, हम भाग भागम ना, तुम्हा कसम भागी तुम मर जाओ। हमका छोड़ दिया हम बैलान, हमका बैलान हमसे प्यार गलत हूँ। अब मंतरिया कहाँ है, तुम हमसे प्यार गलत हो, थामे आओ। नहीं नहीं थामने आओ, थामने 18-19 दिन बाद तुम मिले, थामने आओ, थामने भाई साहब करिए। अच्छा तू खोला जल्दी।
क्या हो गया बे साले, ऐसे चीख चिल्ला रहा जैसे कि दलिया और बदलिया को किसी को तुमने पकड़ लिया। बाबू क्या हुआ, तुम हो चटी हो पिया क्या बे, क्या चाट रहा है रे बाबू, क्या हुआ है बाबू, बाबू बिजलियों भागत रही, कजलियों भागत रही। हाँ ये तो हम देख रहे थे बाबू, हम कजलिया का पकड़ ले रहे। चाट ली तो बाबू कजलिया का पकड़ ले, फिर क्या हुआ। तो कजलिया का इसमें तुमसे प्यार करती हूँ, काहे हम्मा कौन था मेरे। अब बाबू वही प्यार के चक्कर हम पड़ गए। अच्छा चलो ठीक है, किसी से तो कहीं बैठा। हाँ हम कहे तू बैठा, ओहो फिर कहे खोला क्या रे कपड़ा, ऐसा तो हम कहें तू खोला। अब बाबू जैसे हम कपड़ा खोले ला फिर चाट लेता हूँ। अबे क्या हुआ आगे बोल। बाबू जैसे हम कपड़ा खोले लागे वैसे कजलिया खोले लाग। अब बाबू कजलिया हमारे मुँह ममूद के तभी तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर कहीं मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं है, और ये साला चाट क्या रहा। इसका मतलब तुम साले कजलिया का पेशाब चाट रहे थे। बाबू कजलिया का पेशाब जिसे मूत लग रहा है। अरे साले वो नहीं तो क्या अमृत है क्या बाबू, इसे जैसे नमकीन लागत है। साले मूत चटना कहीं का, चल हमारे साथ पीछा कर। बाबू मेहरारुआ मूत तो जैसे नून, मेहरारुआ का मूत नमकीन होता का। एक बारे में तो साले तुमको अच्छा बेटा का दीना खुला। अब हम कहा बे बाबू, ये साले किस रास्ते में आ गए हम, और कजलिया तो इधर ही आई है। साली कजलिया इधर तो सब पानी पानी नजर आता है तीनों तरफ। साली इधर भी इधर भी इधर भी, लेकिन कजलिया आई इधर ही है। बाबू तीनों कहती पानी है तो कजलिया कहाँ, रास्ता ये कह है। अब भाग के यही कहती आई है। उनका लागत बाबू तोहरे डेर से तोहरे खौफ से ये बिजली जो कजलिया साली ना ये पानी में बैठ गए। डुब्बी मारी अब 5 मिनट बाद ऊपर आए तो वही पानी दबोच ले जाएगा। अच्छा ये बता कि ये बीचों बीच में क्या है, ये सब खचो ही यही शुरुआती है। अच्छा अच्छा और इतने से इस साइड क्या है, ऐसा कोका बेरी यही फुलानी है। और इतने से इस साइड क्या है, ऐसा कुकुर मुत्ता ही कहती है। अब इस समय तो हो गया कजलिया निकली नहीं, अभी निकलेगी निकलेगी। अरे हो गया समय तुम्हारे कहने अनुसार। अरे कजलिया निकल या साली मोए में मूंछ के भाग। इधर एक बात हम तुम्हें बता देते हैं, दोबारा ये नाम मत लेना साले। कहते हैं कहावत में सही कहा गया है कि तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब का नाम बदनाम होता है। वैसे जब हम बोलते हैं तो तुम ना बोला करो। जब जब वैसे ही इंसान में अगर किसी मर्द को एक मर्द हो और वो मर्द यानी मंसूर जैसे सभी मर्द होते हैं, अगर वो जैसा इसने किया ऐसा हो जाए तो समझ लो सबका नाम बदनाम हो जाए। लेकिन साले अब दोबारा ये बात मत कहना, क्योंकि हम सांस सांस से जीने वाले मर्द हैं। चलो हमारे साथ कजलिया कहीं तो जाने दे।
ताली चली गई मुंह में मूत के। आओ इसको छोड़, ये मर गई तो क्या हुआ, बिजलिया तो है, दोबारा साली ये नाम मत लेना। अब हमका लाकत हम बच पे ना कहाँ तक का भागी, अब हम कहूँ ना जा भाई यही नदी में घुस के मर दई छोटे मिले, भगवान हमका आधा घंटा शांति दी हम मरे जाई थे, भूख लाग पैसा नहीं नहीं चाउमीन वाउमीन खा लेते थे, हमार सजनवा रहा भाव हमका छोड़ के चला गया जमने से हम प्यार करित रही ना, अब हम हो जाई तो वही के आई थे अब आई थे, भगवान हमका मदद करे मरे समय देखो भूखो लागे चाउमीन वाउमीन मिल जाए तो ठीक रह। सजनवा सजनवा बैरी होई के हमार, सजनवा बैरी होई के हमार, होई के हमार भैया होई के हमार, सजनवा सजनवा भैया हमका 10 रुपया मरक समय हमका दिए ने, भगवान करे तुम जैसे ना मरा दूसर नंबर तोहरे लागी। या मैं महतारी दी 10 रुपया यो दिन बीमा कराए हो ना, हाँ तुम 10 दिए हो तुम तीसरा नंबर पर मरी हो पक्का, जल्दी जल्दी करो चौथा लागी नंबर नंबर से आ जाओ, मरे समय पैसा मिले तो एक्सीडेंट में मरी हो ज्यादा मिले, आजकल का दोस्तों जमाना है कोट पैंट पहन लो, कोट पैंट पहन करके बुलेट गाड़ी लेकर के रोड पर निकल जाओ तो लोग देखिए कहीं लंबरदार दे रहा हम लंबरदार के चाहे 10 रुपया ना हुए, और 2 लाख रुपया ले लियो फटे कपड़ा पहन के निकल जाओ तुमका कहूँ सलामों करे। सतवा नंबर लागी काल हम मेला घूमे दे रहे हमका कहूँ पूरी हो नहीं पहुँचे, बनी बनी के सब साथी हैं, बनी बनी के सब साथी हैं, बिगड़े माँ यार ना झाके तोरी कुमार। हेलो हेलो ये आ गए हमारे